क्या खबरें सिर्फ 30 सेकंड में जानने के लिए डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करेंगे एडीआर रिपोर्ट की, यानी एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक रिपोर्ट पेश की है और जिसमें साफ तौर से बताया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 45 विधायकों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप पत्र सिद्ध कर दिए हैं। ऐसे में अब उन 45 विधायकों में अगर हम बात करें तो जिसमें से 35 अकेले विधायक सत्ताधर पार्टी के हैं यानी बीजेपी के हैं, जबकि 5 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और 3 विधायक कहीं ना कहीं बीएसपी और अपना दल के हैं, जबकि 1 विधायक कांग्रेस का है। ऐसे में जिस तरीके से ये रिपोर्ट जारी की गई है, ये विधानसभा चुनाव में साफ तौर से बताता है ये वो विधायक हैं जिनके ऊपर जघन्य अपराध, चाहे वो हत्या, डकैती, बलात्कार, महिलाओं के प्रति अत्याचार जैसे मजबूत अपराध भी शामिल हैं, जिनको एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। जिसके बाद से ये देखा जा रहा है जिस तरीके से आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल हुआ है, आरोप पत्र जिस तरीके से कोर्ट ने सिद्ध किया है, ऐसे में इन सभी को जो मिनिमम 6 महीने से 2 साल तक और आजीवन कारावास भी शामिल है। एडीआर आपको हम बता दें कि जिस तरीके से हर साल चुनाव में या चुनाव के पहले वो अपनी रिपोर्ट जारी करती है जिसमें विधायकों पर रिसर्च किया जाता है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद उनके जितने भी एफिडेविट उन्होंने कोर्ट में दिए होते हैं, जितने भी एफिडेविट उन्होंने चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए होते हैं, उन सभी की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके साथ साथ उन सभी पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है। एडीआर जिस तरीके से ये अपनी रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद जो आंकड़े निकलते हैं उसको जनता के सामने निकलता है। साफ तौर से उनका मकसद यही कि जनता अपने विधायकों को जो चुन रही है उनके बारे में जाने और उससे जुड़े हुए अगर वो वोट कर रही है तो उससे भी उसकी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर जो विधायक हैं उन पर किस किस तरीके के मामले हैं और उन्होंने किस किस तरीके के एफिडेविट दिए हैं। इसमें अगर हम मोटा बात करें तो मुख्तार अंसारी से लेकर कई ऐसे विधायक हैं जिनका नाम इस रिपोर्ट में शामिल है। अकेले 35 ऐसे विधायक जो भाजपा में हैं जिनके ऊपर ये गंभीर मामले दर्ज हैं और जिसकी उन्होंने कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये आरोप पत्र सिद्ध कर दिए हैं, जिसका एफिडेविट चुनाव आयोग में लगा हुआ है। 45 विधायकों को जिस तरीके से मामले दर्ज हैं उसके बाद से साफ तौर से माना जा रहा है कि अब जनता के सामने ये चीज़ें सामने खुलकर आ रही हैं कि लोग अपना निश्चय ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि जो विधायक हमारे लिए खड़े हुए हैं, जो हमारे एमएलए हैं, उनके ऊपर आखिर किस तरीके के मामले दर्ज हैं और वो किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है, ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल सत्ताधारी पार्टी की है जिनके अकेले 35 ऐसे विधायक हैं जो इस रिपोर्ट में जिनके ऊपर कोर्ट ने आरोप पत्र सिद्ध कर दिया है। और अगर हम आगे की बात करें तो इसमें अगर कारावास होता है तो 6 महीने से लेकर 2 साल और 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक भी है, जिसकी आगे प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो एडीआर की इस रिपोर्ट में जिस तरीके से अगर हम बात करें बीएसपी और अपना दल के 3 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर आरोप पत्र शामिल है, वहीं कांग्रेस का और अन्य दल का 1 विधायक है जिसके ऊपर आरोप पत्र किए गए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अकेले 5 विधायक हैं जिनके ऊपर कोर्ट ने आरोप सिद्ध कर दिया है। लगातार एडीआर जिस तरीके से रिपोर्ट तैयार करता है, निष्कर्ष निकालता है, ऐसे में उन सभी एमएलए की रिपोर्ट आज कहीं ना कहीं जनता के सामने रखे जाते हैं जिनको जनता ने चुने हुए हैं और उनको आगाह भी कराया जाता है, उनको पता भी चलता है कि आखिर इस रिपोर्ट के द्वारा उनके ऊपर किस किस तरीके के मामले चल रहे हैं और उनसे किस किस तरीके से जनता को आगे चुनाव में वोट करना चाहिए। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।